एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द सिंक क्रिएशन में। और मैं लेके आ गया हूँ बिल्कुल नई वीडियो। और सबसे पहले दोस्तों सॉरी जो मैंने बहुत दिन से कोई लॉन्ग वीडियो नहीं डाली, क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी था और थोड़ा परेशान भी था। लेकिन आज मैं एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ, और जो कि है iPhone 12। और ये सिर्फ iPhone 12 के लिए नहीं है, जितने भी आईफोन में रिसीवर की प्रॉब्लम आती है, रिसीवर यानी जब हम कॉल पे बात करते हैं तो हमें आवाज़ नहीं आती सामने वाले की, अगर उससे रिलेटेड कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप ये वीडियो देख के आप अपना प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आईफोन को खोल लिया है, और इसका मैंने ओपनिंग की जो वीडियो है वो नहीं दिखाई, क्योंकि उसको ओपनिंग करना यार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हैं, और आपसे घर में तो नहीं खोलने वाला, वो प्रोफेशनल्स जो हैं वही खोल पाएंगे। तो एक एक करके मैंने सारे स्क्रूज खोल लिए और इसकी जो क्लिपें हैं, सबसे पहले आपको बैटरी इसका डिस्कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि उससे शॉर्ट सर्किट होने का जो रिस्क रहता है वो बढ़ जाता है। तो कभी भी आप कोई भी काम करें अगर फ़ोन में, तो बैटरी को पहले डिस्कनेक्ट कर लें, उसके बाद बाकी की केबल्स या बाकी के कनेक्टर्स को आप अलग। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हमें करना है बैटरी को डिस्कनेक्ट, तो मैंने कर लिया अपने बैटरी को डिस्कनेक्ट। इसके बाद मैंने इसकी जो डिस्प्ले की केबल है उसको भी डिस्कनेक्ट कर लिया, और टच की भी। और इसके बाद हम आए इसके मेन चीज पे, जो इसका मेन इशू था, जो कि था इसका रिसीवर। उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद ये रही इसकी डिस्प्ले, कुछ इस टाइप की दिखती है, जो ऊपर में लेफ्ट हैंड साइड में जो ऊपर में लगा हुआ है वो है इसका रिसीवर, और वो मुझे करना है चेंज। यूँ तो इसका रिसीवर चेंज करना एक नॉर्मल प्रोसेस भी है, मार्केट में नया मिलता भी है, बट ओरिजिनल नहीं मिलता मार्केट में। और मैंने इसी चीज़ का सर्विस सेंटर में पता किया था, तो उनका कहना था कि 25,000 लगेंगे और डिस्प्ले और रिसीवर दोनों चेंज। तो दोस्तों इसमें बहुत सारे रिसीवर को ट्राई करने के बाद मैं थक चुका था, क्योंकि कोई भी रिसीवर इसमें काम नहीं कर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार हम इस रिसीवर को ही रिपेयर करें। तो मैंने फटफट से इसको खोल दिया, वो खोलने की वीडियो नहीं बना पाया मैं, सॉरी उस चीज़ के लिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं रिसीवर अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और आप इसमें देख रहे होंगे कि राइट साइड में सेंटर में यहाँ मैंने मार्क कर, इसको रिपेयर करते टाइम दोस्तों मुझे तो पहले एक वायर तो दिख गया था, लेकिन दूसरा वायर दिख ही नहीं रहा था। तो काफ़ी एंगल को एडजस्ट करके फिर मुझे दिखा कि हाँ वो कहाँ से ब्रेक हुआ है, और वो वाला पॉइंट। इसमें हमें करना कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है, सिर्फ जहाँ से वो वायर ब्रेक रहता है उस वायर को जोड़ देंगे, आपका रिसीवर वापस से चालू हो जाएगा। लेकिन पैक करने के पहले कृपया करके कंटिन्यूटी चेक कर लें, कंटिन्यूटी क्या होता है, जो लोग ये सब काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है। तो अब इस चीज़ पे मैं डिटेल नहीं आपको बता रहा। मेरा ये वीडियो बनाने का ये बिल्कुल नहीं है मकसद कि आप भी यही चीज़ करें, आप भी उसको रिपेयर करके लगा दें। लेकिन जहाँ पे आप फंसेंगे और जहाँ पे ये होगा कि वो मार्केट का कोई भी रिसीवर काम नहीं कर रहा है, सिर्फ आईफोन में ही नहीं और भी कोई भी अगर फ़ोन हो गया, तो आप ये चीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि रिसीवर ख़राब इसीलिए होता है क्योंकि अंदर से उसकी वायर ब्रेक हो जाती है और उसकी कंटिन्यूटी नहीं आती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसको सोल्डिंग आयरन से काफ़ी फोकस करके इसको सोल्ड करने की कोशिश की, वो एक बार में तो नहीं हुआ, ये जाहिर सी बात है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरे पास जो है माइक्रोस्कोप मेरा हो चुका है ख़राब, जिस कारण मुझे ये देखने में भी काफ़ी दिक्कत जा रही थी। तो मैंने कैमरे की वीडियो लेंस से इसको जूम करके देखा और फिर रिपेयर किया है। तो फाइनली ऑलमोस्ट प्रोसेस जो था इसका वो कंप्लीट हो चुका है, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सोल्ड भी हो गया है। अब इसके बाद बारी है कि हम एक बार पैक करने के पहले इसकी जो है कंटिन्यूटी टेस्ट कर लें, उससे कि क्या ये कंफर्म हो जाएगा कि हमने जो कनेक्शन किया है वो सही है कि नहीं है। तो हम तुरंत लेके आ गए मल्टीमीटर और इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो दोस्तों फाइनली जो रिसीवर था उसको पैक करने के बाद भी हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली और वो प्रॉपर वर्किंग है। और ये जो आप देख रहे हो ये है ग्लू, जिससे हम कॉम्बो यानी स्क्रीन चिपकाते हैं। लेकिन अब मैं इसको इसलिए चिपका रहा हूँ क्योंकि हमने इसको खोला, और अगर इसको चिपकाएंगे नहीं तो आवाज़ में थोड़ी सी खरखराहट या ज़्यादा खरखराहट आ सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि उसको अच्छे से हम दबा के रखें, इसलिए मैंने ग्लू लगा के उसको थोड़ी देर पेस्टिंग करके छोड़ दिया। जब वो सूख गया तो उसको वापस से कॉम्बो में लगाया। Yeah.
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इस वीडियो को एंड करने के पहले मैं एक चीज आपसे बोलना चाहूंगा कि जब कभी आप किसी भी फोन का स्क्रीन के साइड से ओपन करते हैं तो हमें एक चीज का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए कि उसका कोई भी स्ट्रैप ना खींचे और सबसे मेन कि उसके डिस्प्ले का ना खींचे। और क्योंकि ये आईफोन है इसके डिस्प्ले काफी कॉस्टली आते हैं तो थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना जरूरी है। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप सो वीडियो आपको पसंद आई हो। थैंक यू।